मैं खुला खर्चा करता हूँ, आराम से जीता हूँ, जो हम लाइफस्टाइल लेने आए थे लेने वो आए यहाँ थे पे वो आप जी यहाँ पे। सकते अब हो। फिर इतने परेशान हो गए लोग यहाँ पे आके कि किश्ती ही नहीं निकल पा रही। राइट राइट आप बड़े खुश हो कैलगरी आके भाई बताओ भाई क्या ऐसा कैलगरी क्या देता है। हे एवरीवन, वेलकम टू सैंडी टॉक्स कनाडा। जैसे कि आपको पता होगा आई एम इन अल्बर्टा, हम यहाँ पे घूमने आए थे, लेकिन हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली कि भाई क्यों ना कैलगरी के बारे में शूट किया जाए। आपने एक ट्रेंड देखा होगा कि हर कोई बंदा अल्बर्टा कैलगरी में मूव हो रहा है, टोरंटो से लोग कैलगरी मूव हो रहे हैं, जो लोग इंडिया से भी आ रहे हैं उनकी भी फर्स्ट चॉइस कैलगरी है बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कैलगरी को वन ऑफ द बेस्ट सिटी बनाती हैं। बट नॉट एवरी सिटी इज परफेक्ट, यहाँ पे भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो हर बंदे के लिए सही नहीं है। सो इस वीडियो में हम इन डेप्थ बात करने वाले हैं कि क्या कैलगरी मूव होना आपके लिए सही है कि नहीं। तो इस वीडियो में हमारे साथ है अपने दोस्त, कैनेडियन दोस्त, वेलकम गुरसिमरन। सो आज हम गुरसिमरन से बात करेंगे। गुरसिमरन ने टोरंटो से यहाँ मूव किया है और आते ही इन्होंने दो घर भी ले लिए हैं, अच्छी खासी जॉब चल रही है, लैंडलॉर्ड बन गए हैं। तो आज हम इनसे गाइडेंस लेंगे कि भाई कैलगरी कैसा है, आप क्यों मूव हुए टोरंटो से कैलगरी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एंड आपको कांग्रेचुलेशंस, आप भी लैंडलॉर्ड बन चुके हैं अब और मैरिज भी हो गया, सो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस। मैं स्टूडेंट आया था, सो मैं सितंबर ऑफ 2016 में आया था, कॉनेस्टोगा कॉलेज में था, मेरा 2 ईयर्स का प्रोग्राम था। सो कॉनेस्टोगा के बाद मेरी जॉब लगी थी तो मैं मिसिसागा मूव हो गया था। मिसिसागा 1.5 साल रहने के बाद टोरंटो डाउन टाउन, सो वहाँ पे मेरी जॉब थी, फिर उसके बाद अब कैलगरी। कैलगरी आए हुए भी मेरे को 1 साल हो गया, सो ओवरऑल ऑलमोस्ट 6 ईयर्स। ऑलमोस्ट 6 मेरे जितने ही, फिर हम साथ में आए होंगे उसी साल में। ठीक है, रीज़न क्या था कैलगरी मूव होने का? रीज़न यही था कि क्योंकि जब मैं अपना स्टूडेंट होता था कॉनेस्टोगा कॉलेज के बिल्कुल सामने घर होते थे, ओके, और मेरे को पता था कि इवेंचुअली घर तो लेना ही है, लैंडलॉर्ड बनना जैसे आपने बोला सबका ही होता है, जस्ट मेरा नहीं है। तो मैं शुरू से ट्रैक करता था जहाँ पे भी मैं जाता था प्राइसेस की, भाई कितना रेंट है, क्या है, क्योंकि बिजनेस माइंडसेट है, मेरी पूरी फैमिली बिजनेस में है। तो वहाँ पे 3.5 लाख के घर होते थे इजीली और रेंट आउट भी इजीली हो जाता था। जब मैं पास आउट हुआ वहाँ से तो ये पता नहीं कैसे 5 लाख के हो गए। अच्छा। मैंने बोला चलो ठीक है, कोई चक्कर नहीं, कमा लेते हैं, जॉब उसी हिसाब से ली कि हाँ, चलो 5 लाख का कर लेंगे, कर लेंगे ठीक है जी। तो जब जॉब लगी, जब पैसे आए, डाउन पेमेंट की बात हो गई, तब 8 के हुए, फिर आ गया कोविड। अच्छा, फिर तो मिलियन के हो गए। फिर तो मैंने सोचा अब तो हो ही नहीं सकता कोई, क्योंकि मिलियन से ऊपर 20% डाउन देना होता है। ठीक है, फिर मेरे को था कि काफी अभी और भी एरियाज है, क्योंकि एक तो होता है ना मोनोपोली हो गई थी ऑन्टारियो की, सभी लोग ऑन्टारियो के बारे में कर रहे थे, तो मेरे को खुद नहीं पता था कि दूसरे प्रोविंसेस में क्या क्या है। तो अल्बर्टा के अंदर सेल्स टैक्स कम थे ओवरऑल ऑन हाई लेवल, और इकोनॉमी भी अच्छी चल रही थी, और अगर आप पर कैपिटा हाउस होल्ड की देखो तो अल्बर्टा सबसे रिच है, राइट। तो मेरे को था कि यार एक बार जाके तो देखते हैं ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा। तो मैं मई ऑफ 2022 में आया था यहाँ पे 1 महीने के लिए। आके देखा तो बिल्कुल ही मेरे को लगा नहीं कि मैं ऑन्टारियो से बाहर हूं, ब्रैम्पटन जैसा, क्रिकेट खेल रहे हैं लोग मतलब वो हम शॉट ले लेंगे बाद में, आज संडे वाले दिन यहाँ के क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। एंड मैं जहाँ पे रुका था दैट वॉज वेरी क्लोज टू गुरुद्वारा, क्योंकि मेरे को था अगर इन केस मेरे को कहीं पे खाना नहीं मिलेगा तो मैं गुरुद्वारे में खा लूंगा, राइट। तो मैंने देखा भाई मेरे को अपने फैमिली पर्सपेक्टिव से भी मेरे को जाना था कि अगर मेरे पेरेंट्स इवेंचुअली अगर आते हैं तो उनको गुरुद्वारा चाहिए, तो मेरे को था पहले गुरुद्वारा वाला एरिया देखो, और मेरे को लिटरली ब्रैम्पटन जैसा ही लगा है, क्योंकि मैं मिसिसागा में रहता था माल्टन एरिया में, एग्जैक्टली वैसा का वैसा ही है, वैसे ही लोग सब कुछ, उल्टा मेरे को यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था। सो वो अच्छी वाइब्स आई थी, इस वजह से एक रीजन था। देन अफोर्डेबिलिटी आपने पहले ही बोल दिया, ठीक है, तो काफी प्राइसेस यहाँ पे कम थे, अभी भी कम है बट उस टाइम पे तो कुछ ज्यादा ही कम थे, रेंट वाइज भी एंड परचेज प्राइस के हिसाब से भी। एक साल में बहुत हो गया होगा जी। सेल्स टैक्स 5% है यहाँ पे इन कंपैरिजन टू 13%, तो कुछ भी यहाँ पे लोग 8% डिस्काउंट मिलता ही मिलता है। यहाँ पे लैंड ट्रांसफर टैक्स भी नहीं है घर जब खरीदते हैं, तो बहुत ज्यादा ऐसी चीजें थी जिसकी वजह से, जैसे मेरा 6,000 लगाया एक्स्ट्रा, वैसे 10,000 था लैंड ट्रांसफर टैक्स, 4,000 की आपको रिबेट मिल जाती है ऑन्टारियो में, 6,000 देना पड़ता है, वो गुरसिमरन ने सेव कर लिया 6,000 दोनों घरों के लिए। तो वो ऑल टाइम आपका यहाँ पे बेनिफिट ही रहेगा, लैंड ट्रांसफर टैक्स नहीं है, फिर उसके बाद कोई भी चीज आपने लेनी है ना वो 5% है। एंड इसके अलावा ओवरऑल सिटी बहुत बड़ी है, क्योंकि मैं किचन वाटरलूम में रहा हूँ, उससे तो आई वुड से 10 टाइम्स बड़ी, 50 किलोमीटर रेडियस के अंदर है, सो यू कैन इमेजिन। मतलब ओवरऑल ये रियल एस्टेट अफोर्डेबिलिटी की बात करें तो कैलगरी इज द बेस्ट ऑप्शन है ना।
आई वुड से अभी और भी अच्छे ऑप्शंस हो सकते हैं, बट ओवरऑल अगर आपको इंडियन कम्युनिटी भी चाहिए, जॉब अपॉर्चुनिटीज भी चाहिए, अप एंड कमिंग भी चाहिए, बिकॉज यहाँ पे गवर्नमेंट काफी पुश कर रही है आईटी इंडस्ट्रीज के लिए भी, तो डाउनटाउन रिवाइटलाइज हो रहा है, तो आपने देखा होगा इन्फोसिस का हेडक्वार्टर्स यहाँ पे खुल रहा है, आरबीसी का इनोवेशन सेंटर यहाँ पे खुल रहा है, जो स्टार्टअप्स है वो यहाँ पे खुल रहा है. सिर्फ ऑयल एंड गैस नहीं, काफी लोगों को लगता है कि ऑयल एंड गैस ही है अल्बर्टा के अंदर, बट बिकॉज ऑयल एंड गैस के ऊपर रिलायंस कम करना चाहते हैं तो वो टूरिज्म as well as जो आईटी सेक्टर है उसके ऊपर बहुत फोकस कर रहे हैं. आप एक साल पहले आए हैं कैलगरी, आपने यहाँ पे दो घर ले लिए, कंपेयर टू जीटीए आप सोच सकते हैं कि आप वहाँ ये कर सकते थे? जीटीए में मैंने आपको बताया तो लाइक मैं 4-5 साल से जब से मैं स्टूडेंट था तब से सोच रहा था, तब से मेरी थोड़ी थोड़ी सेविंग्स थी कि मेरे को इवेंचुअली घर लेना है सूनर रादर देन लेटर, तो मेरे पास डाउन पेमेंट तो पड़ी हुई थी, बट जब भी मैं घर लेने जाता था ऑन्टेरियो के अंदर तो घर प्राइस इंक्रीज हो जाते थे या बिडिंग वॉर चलती थी, और मेरा वर्क फ्रॉम होम था तो आई वाज वर्किंग ऑन्टेरियो के टाइम पे, तो 7 to 3, तो 3 PM के बाद मैं फ्री होता था, तो मेरा लाइफस्टाइल भी काफी बेटर हो गया था यहाँ पे, सो उस हिसाब से फिर मैंने यहाँ पे घर भी चेक करने शुरू कर दिए थे. उस टाइम पे प्राइसेस वर रिलेटिवली गुड, तो यहाँ पे जो घर मैंने फर्स्ट वाला लिया था दैट वाज अराउंड 375 का, और उस पे रेनोवेशंस कॉस्ट लगी थी अराउंड 25-30,000 की, तो ओवरऑल 4 का पड़ा था, बट दैट वाज अ 6-bedroom का घर, 6-bedroom का 4 lakh, और उस टाइम पे तो इंटरेस्ट रेट भी काफी कम थे तो मेरे को तो काफी अच्छी डील मिल गई थी. सेकेंड वाला घर भी मेरे को अच्छी डील मिली है टू बी ऑनेस्ट, वो मैंने अपनी वीडियो में भी बताया, तो वो भी 325 के अराउंड पड़ा था मेरे को, बट इतना कम इसलिए पड़ा था क्योंकि वो रेनोवेशंस मांगते थे दोनों घर, तो दूसरे वाले घर के ऊपर तो पूरा घर रेनोवेट कराना पड़ा था, तो उसके ऊपर मेरे 50,000 लग गए थे. बट नॉलेज होनी चाहिए, जैसे आपको था कि इतने की मिला के, अब आपने जितनी उस घर की रेनोवेशन की होगी उससे कहीं ज्यादा आप सेल करोगे अगर एग्जैक्टली, तो वो इक्विटी मेरी बिल्डअप हो चुकी हुई है, ऑलमोस्ट 1 lakh dollars तो ऊपर मिल जाएंगे अगर मैं आज ही बेचूंगा 1 साल के बाद. नहीं वो सही है, तो फिर ऑल इन ऑल हमने कंफर्म किया कि भाई डबल से ज्यादा है रेट ऑन्टारियो में, यहाँ पे हाफ है, यहाँ हाफ से भी कम है, 1/3 थी पिछले साल, अब आई वुड से हाफ से थोड़ी कम है. अलावा यहाँ पे रेंट का क्या सिनेरियो है? ओवरऑल अगर रेंट पर्सपेक्टिव से कैलगरी का देखे तो 1-bedroom अपार्टमेंट आपको $1,000 से $1,200 से 15 के अंदर भी मिल जाएगा डाउनटाउन में अगर रहना है. पहले तो बहुत सस्ते मिलते थे, 1-bedroom बेसमेंट आई गेस 800 की मिलती थी, अब 1,000 की हो गई है. अब जैसे 2-3 bedrooms का 1,200 से 1,300, 1,400, 1,500 तक भी जाते हैं रेंट, डिपेंडिंग ऑन कितना रेनोवेटेड एंड कितनी अमेनिटीज है, सो दैट इज वे चीपर आई गेस, क्योंकि जब मैं ऑन्टेरियो में रहता था टोरंटो के अंदर तो सिंगल रूम शेयरिंग के अंदर लाइक फ्लैट के अंदर एक रूम अगर लेना होता है 1,200-1,300 का. जैसे मेन हमारा होता है कि हमें कनाडा जाना है, पीआर लेनी है, और पीआर लोग बोलते हैं अल्बर्टा में बहुत इजी है, हो भी जाता है, बहुत प्रोग्राम्स हैं, तो पीआर के केस में अल्बर्टा कहाँ स्टैंड करता है? सो अगर तो यहाँ पे आपने अल्बर्टा के अंदर स्टडी की हुई है, तो चाहे आपने 12th के बाद स्टडी किया है, चाहे आपने बैचलर्स के बाद की है, आपको पीएनपी लगनी है, दैट इज बाय डिफॉल्ट जो अल्बर्टा का पीएनपी का अल्बर्टा अपॉर्चुनिटी स्ट्रीम है, उसमें आप अप्लाई कर सकते हो अगर यहाँ पे स्टडी की है. और अगर आप किसी और प्रोविंस से मूव करते हैं, क्योंकि बच्चे दूसरी प्रोविंस से यहाँ मूव करते हैं क्योंकि ओंटारियो में मुश्किल हो जाता है पीआर लेना, तो उसकी अलग स्ट्रीम है, उस स्ट्रीम में अगर आप टेक में जॉब ले लेते हैं तो अल्बर्टा एक्सेलरेटेड टेक पाथवे प्रोग्राम है, ऑप्शन है, और अल्बर्टा के अंदर रूरल इमिग्रेशन वाला एरिया भी है, सो रेड डियर जैसे एडमंटन और कैलगरी के बीच में एक शहर है, उधर अगर आप रहते हो तो वहाँ पे आपको रूरल पीएनपी के लग भी लग जाएगी. और भी बहुत से प्रोग्राम्स हैं, मतलब मल्टीपल ऑप्शंस हैं, आपके सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आप किस में एलिजिबल हैं, सो देयर आर प्रोग्राम्स. और पीआर के अलावा जैसे किसी किसी पीआर प्रोग्राम में आपको जॉब भी चाहिए होती है, ओवरऑल भी अगर कोई वर्क परमिट पे भी आता है उसको भी जॉब चाहिए, कोई सेटल होना चाहता है उसको भी जॉब चाहिए. यहाँ की जॉब मार्केट कैसी है, कौन सी जॉब्स ज़्यादा हैं यहाँ पे? सो जॉब मार्केट्स यहाँ पे वैसे ओवरऑल अगर आप ऑन्टेरियो से कंपेयर करें तो टेक रिलेटेड जॉब थोड़ी कम है, बट वो पुश कर रही है गवर्नमेंट, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे वो चेंज करना चाहती है, आईटी सेक्टर को लेके आना चाहती है, इसलिए उन्होंने टेक पीएनपी प्रोग्राम भी रखा है. सो वो आ रही है, काफ़ी ज़्यादा जॉब्स आ रही है, इन्फोसिस ने यहाँ पे हेडक्वार्टर्स खोला है, और भी बहुत सारी बिग बिग कंपनीज आ रही है, AWS का भी यहाँ पे डेटा सेंटर आ रहा है, तो उसकी वजह से काफ़ी जॉब्स ओपनिंग्स हैं, बट यहाँ पे मोर और लेस ज़्यादा बिजनेस रिलेटेड है, तो ऑपरेशंस हो गया, जैसे फुलफिलमेंट सेंटर्स है अमेज़न के, बहुत सारा वॉलमार्ट का बहुत बड़ा यहाँ पे हब है,
वो हो गया, कंस्ट्रक्शन में यहाँ पे बहुत ज्यादा है, ओवरऑल रिटेल के अंदर तो जॉब्स मिल जाएगी। सो अगर आप एज अ स्टूडेंट आ रहे हो तो आपको जॉब्स मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर आप मेरे को फॉलो भी करते हो इंस्टाग्राम में, मैं ऑलमोस्ट एवरी वीक जैसे कभी किसी मॉल में जाता हूँ मैं पोस्ट डालता रहता हूँ कि बहुत ज्यादा हायरिंग यहाँ पे अभी भी हो रही है। एक और चीज भी, अगर वर्क फ्रॉम होम आप कर रहे हो, जैसे मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ तो मेरी जॉब अभी टोरंटो के अंदर ही है, तो यहाँ पे अगर आप उस सैलरी के अंदर रह रहे हो तो आप राजों की तरह जियोगे, मैं पहले बता रहा हूँ। चलो ये राजा जी है, नहीं मैं राजा जी नहीं हूँ, मैं जैसे जियोगे राजा जी जैसे जियोगे, क्योंकि मेरे को अब सोचना नहीं पड़ता यार अच्छा इतने पैसे लग जाएंगे, मैं खुला खर्चा करता हूँ, आराम से जीता हूँ, जो हम लाइफ स्टाइल लेने लेने आए थे वो यहाँ पे, जो स्टूडेंट्स आना चाहते हैं यहाँ पे। सो क्या कैलगरी उनके लिए सही रहेगा, यहाँ पे कॉलेजेस कैसे हैं, यूनिवर्सिटीज कैसी हैं, सो उसके बारे में आप क्या सजेस्ट करेंगे? यूनिवर्सिटीज काफी अच्छी है यहाँ पे, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी है अगर कैलगरी के अंदर रहना है, अगर एडमंटन में रहना है तो यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा है, आई गेस आपने वहीं से स्टडी की हुई है, और कैलगरी के अंदर नेट भी है, नॉर्थ एल्बर्टा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सो उसका भी करिकुलम काफ़ी अच्छा है, और बो वैली कॉलेज है वो डाउनटाउन के अंदर ही है, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ लेथरिज का यहाँ पे कैंपस है कैलगरी के अंदर, वो भी डाउनटाउन के अंदर है, माउंट रॉयल यूनिवर्सिटीज़ है। सो ओवरऑल अगर स्टडी परस्पेक्टिव से देखें तो काफ़ी अच्छे है, बिकॉज यहाँ पे यूनिवर्सिटी रिच है एजुकेशन। यहाँ पे कैलगरी में सेट है सदर्न अल्बर्टा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सॉरी सेट, हां यहां पे सेट, नेट तो एडमंटन में था, नॉर्थ अल्बर्टा, मैं सॉरी माय बैड, हां नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैंने कहा कि ऑडियंस को क्लियर कर दें, तो दोनों कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं। इंश्योरेंस की बात करें गाड़ियों की, इंश्योरेंस यहां पे डिपेंड करता है क्योंकि यहां पे थोड़ा हिल वाला एरिया है, तो थोड़ा सा एडमंटन से ज्यादा होगा, बट इतना ज्यादा नहीं है, आई वुड से 200 से 300 डॉलर्स के अंदर, 400 मैक्स अगर आप थोड़े एज कम है तो आपकी 400 तक जाती है, ब्रैम्पटन में जैसे 600-1000 डॉलर तक जाती है, उतना नहीं है यहां पे, वहां पे ब्रैम्पटन में गाड़ियों की इंश्योरेंस बहुत ज्यादा है। और चोरी की बात करें, गाड़ियां बहुत चोरी हो रही है यहाँ पे, सेफ्टी का क्या इशू? यहाँ पे तो कुछ नहीं, मैं तो अपना गैराज भी खोल के रखता हूँ खुद। ओंटारियो में तो ऐसी वीडियोस देखते हैं जीटीओ में कि बंदा अभी गाड़ी लगा ही रहा है ड्राइववे में, पीछे से लेके चले गए, मतलब सेफ्टी का भी एक इशू वहाँ पे आ गया है। सो बात करें अगर गुरसिमरन लाइक्स और डिसलाइक्स की, क्योंकि कोई भी प्रोविंस जो है, सिटी जो है, परफेक्ट नहीं होती, कुछ ना कुछ उसमें होता है कि मुझे ये नहीं पसंद या ये सही नहीं है, काश ये होता, डिसलाइक आप क्या करते हैं? डिसलाइक ऐसे बहुत ज़्यादा मेजर चीज़ें नहीं है, अब ऑब्वियसली ये लैंडलॉक्ड एरिया है, सो डायरेक्ट फ्लाइट्स इंडिया की नहीं है, तो वो एक चीज़ है, अगर वो हो जाएगी तो आई वुड गारंटी दे रहा हूँ बहुत ज़्यादा यहाँ पे बूम और ज़्यादा आएगा। सो पहली थिंग वो है कि बिकॉज जब जाना होता है या तो वैंकूवर जाओ या टोरंटो जाओ, तो वो बैग्स का एक्स्ट्रा पैसे लगते हैं फालतू के, वो मेरे को एक चीज़ अच्छी नहीं लगती, दैट इज़ द नंबर वन थिंग। नंबर टू थिंग है कि यहाँ पे और ज़्यादा एरियाज नहीं है एक्सप्लोर करने के लिए, आई नो कि काफ़ी एरियाज है, फॉर एग्जाम्पल आप बैफ चल जाओ, लेक व्यू चल जाओ, बट उसके अलावा जैसे टोरंटो के अंदर होता था कि एक तरफ चले गए तो टोरंटो आइलैंड्स आ गए, एक तरफ चले गए तो ऑटो आ गया, बड़ी बड़ी सिटीज, नायग्रा फॉल्स, एग्जैक्टली, तो वो थोड़ा सा आइसोलेटेड फील होता है, बट बिकॉज यहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो गवर्नमेंट को भी पता है कि लोगों के लिए इवेंट्स करने होते हैं, तो यहाँ पे स्टैम्पीड जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा आउटडोर रोडियो होता है या आउटडोर इवेंट भी होता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा कैलगरी के अंदर होता है, वो आई थिंक जुलाई के अंदर ही होता है वो भी, सो दैट इज़ वन थिंग, तो उसके लिए काफ़ी प्रिपेयर करके रखती है सिटी, बट दैट इज़ द ओनली मेजर इवेंट जो मेरे को पता है यहाँ पे होता है, एक नगर कीर्तन होता है जो। अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है वेदर, वो बड़ा दिमाग में रहता है कि यार वहाँ बहुत ठंड होगी, मैं रही हुई हूँ वैसे, मैं बताती रहती हूँ अपनी वीडियोज में, बट इनसे भी जान लेते हैं ये क्या कहते हैं, क्योंकि मैं तो हमेशा यही बोलती कि यार ठीक है चल जाता है, सो वेदर का आपको क्या डिफरेंस लगा अल्बर्टा में? देखो जब मैं यहाँ पे आया था मेरे को लगा था कि बहुत ज़्यादा ठंड होगी, तभी मैंने उसको डिसलाइक में नहीं लगाया, क्योंकि मेरे को वेदर यहाँ उल्टा अच्छा लगता है, अगर आप सर्च करोगे गूगल कर लेना आप कि सनियस्ट सिटी इन कैनेडा कैलगरी है, तो अगर स्नो भी होती है, स्नो के लाइक जस्ट एक दो दिनों के बाद सनी रहता है तो बहुत सुंदर लगता है, और अगर टेम्परेचर वाइज देखे, हाँ यहाँ पे टेम्परेचर एक या दो दिन के लिए -40 टच होता है, बट ओवरऑल यहाँ पे बिल्कुल टोरंटो जैसा या किचनर वाटरलू जैसा रहता है। एक चीज है जो डिसलाइक्स में मैं डाल दूंगा कि जल्दी स्नो पड़ती है यहाँ, जल्दी पड़ती है, बस ये है, जल्दी स्नो पड़ती है, एक आधा महीना ज्यादा पड़ेगी, बट वही फरवरी मार्च के अंदर वो गैप दे देती है। एक डिसलाइक मैं भी डाल देती, जब मैं अल्बर्टा में थी तो गाड़ियों पे ना यहाँ पे वो पावर की केबल दी होती है, वो जरूर लगानी पड़ती है, क्योंकि गाड़ी आपकी इतनी ज्यादा, एक हफ्ता जो ठंड पड़ती है ना -40 में, तो गाड़ी डायरेक्टली स्टार्ट नहीं होती यहाँ पे। ओंटारियो में मैंने ऐसा नहीं देखा कि केबल लगा के आप रखो, उसको बोलते हैं ब्लॉक हीटर, ब्लॉक हीटर, बट मेरी किसी गाड़ी में नहीं, क्योंकि कैलगरी के अंदर इतना ज्यादा नहीं करते, एडमंटन में बहुत होता है, बिकॉज एडमंटन में वो स्नो मेल्ट नहीं होती इतनी जल्दी। और एक और डिसलाइक भी है, सच में बताना भूल गया आपको, यहाँ पे ना
वो सॉल्ट जो है इतना यूज नहीं करते, तो जो रिमूवल है आइस रिमूवल वो थोड़ा स्लो है, बट अगेन बिकॉज यहाँ पे टैक्सेस नहीं है, तो गवर्नमेंट के पास पैसे इतने ज्यादा नहीं है, मूविंग बैक टू इंडिया। बहुत सा ऐसा है कि भाई लोगों को यहाँ जॉब्स नहीं मिली, या फिर लाइफस्टाइल वैसा नहीं मिला, या फिर इतने परेशान हो गए लोग यहाँ पे आके कि किश्तें ही नहीं निकल पा रही। right. आप बड़े खुश हो कैलगरी आके भाई कैल बताओ भाई क्या ऐसा कैलगरी क्या देता है? नहीं, कैलगरी एक तो सुकून देता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है, तो वैसे ही टेंशन खत्म हो जाती है, स्ट्रेस फ्री रहता है बंदा यहाँ पे, और सनीएस्ट है तो उसकी वजह से भी थोड़ा हैप्पी रहता है, वो मूड स्विंग्स नहीं आते जैसे ऑन्टारियो के अंदर, काफी क्लाउडी रहता है। मिला हुआ ना कुछ हैप्पीएस्ट सिटी है ना, हैप्पीएस्ट सिटी, मोस्ट लिवेबल सिटी इन नॉर्थ अमेरिका का भी था, हैप्पीएस्ट सिटी इन कैनेडा का भी इनको मिला हुआ है। सो काफी यहाँ पे लोग लेड बैक है, तब आप पीछे देख सकते हो वहाँ पे आराम से क्रिकेट चल रहा है, तो यहाँ पे लोग अपना पूरी फैमिली को टाइम देते हैं, जैसे जो भाग दौड़ है ना, जो हसल कल्चर है जो टोरंटो के अंदर है, वो यहाँ पे बहुत कम है। सो ऑल इन ऑल कैलगरी तो भाई हर चीज में नंबर ले गया, पॉइंट ले गया है ना कि देखो हैप्पीएस्ट पर्सन मैं तो बोलूंगी जैसे अवार्ड मिला वो सही लग रहा है। नहीं, नहीं। तो लेट बैक होके रिलैक्स, तो वही है कि अगर आप कैनेडा जो सोच के आना चाहते हो कि भाई ऐसी लाइफ वहाँ होगी, वो कैलगरी में है, यहाँ के लोगों से दिखता है कि वो चीजें यहाँ पे है। सो अगर आपको लगता है ये वीडियो देखने के बाद ये पॉइंट मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में है, ये टिक हो रहे हैं भाई मेरे लिए कैलगरी सही है, तो आपके लिए बिल्कुल सही है कैलगरी। आई होप आपको इस वीडियो से काफी हेल्प हुई होगी, आपके क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू गुरसिमरन फॉर कमिंग, और गुरसिमरन का यूट्यूब चैनल है आप खुद ही बता दो भाई, फॉलो कर लो, जरूर फॉलो करना, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालते हैं जी। सो मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है कनेडियन दोस्त, और इंस्टाग्राम पे भी कनेडियन दोस्त अगर आप सर्च करोगे तो मैं ही आऊंगा। सो Looking forward to see you over there. Okay, sounds good. Thank you so much for watching. मिलते हैं अगली वीडियो में. Till then, take care. Bye-bye.